बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी की दुनिया में वेलकम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह सुबह मैं बाहर आई हुई हूँ, मैंने बर्तनों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो मैं कर रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ। ये देखें बाहर भी चीज़ें लगी हुई हैं, शॉप पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और ये बाहर कढ़ाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब मैं चीज़ें लेके वापस घर की तरफ जा रही हूँ। रास्ते में मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ले ली हैं, सब्जी इकट्ठी ले लेती हूँ, साथ साथ इस्तेमाल होती रहती हैं, कभी साथ साथ भी लेती रहती हूँ। तो मैंने सब्जी ले ली है, प्याज ली है, खीरा, धनिया, मुख्तलिफ़ चीज़ें, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह लिए हैं। तो मैंने साथ मैंने सोचा कि पकाने के लिए भी कोई सब्जी ले लूँ, तो मैंने टिंडे ले लिए थे, और टिंडे मैं अब काट के मैंने रखे हैं, टिंडे पकाने लगी हूँ क्योंकि सभी को भूख लगी हुई थी और टिंडे बहुत जल्दी पक जाते हैं। मैंने ले ली है 1.5 प्याली, 1.5 से कम ही मैंने डाली है ऑयल। ऑयल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा, तकरीबन 1/2 टीस्पून ज़ीरा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ज़ीरे का कलर जब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का लाइट कलर चेंज होगा, तो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने पेस्ट बना ली है प्याज और टमाटर की। मैं अमूमन पेस्ट ही बना के सालन बनाती हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने ग्रेवी वाला बनाना होता है, जल्दी भी बन जाता है और मज़े का भी बनता है, प्याज साबत भी नहीं रहते। मैंने ये पेस्ट बना ली और अब मैंने इसको डाल दिया। इसको मैंने अच्छी तरह भून लेना है क्योंकि प्याज ज़रा से भी अगर कच्चे रह जाएँ तो उसमें खाने का जायका अच्छा नहीं रहता। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और साथ ही मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मसाले ऐड करने से प्याज़ों का जो जायका है वो जल्दी अच्छा हो जाता है। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी मैं ज़रूर खानों में डालती हूँ, ज़रूरी भी होती है, अच्छा रहता है। और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, 1 टीस्पून मैंने साल्ट डाल दी है। नमक और सुरख मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें ये कोई रूल नहीं होता कि मैंने जितने डाले हैं आपने भी उतने ही डालने हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत मज़े के मेरे जो मैं टिंडे बना रही हूँ बने हैं। टिंडों का साइज़ मैंने थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का काटा हुआ है, ना बहुत बारीक काटे हैं और ना बहुत बड़े काटे हैं। मैं इस तरह के टिंडे बना रही हूँ कि उनका अपना जायका भी बीच में रहे, ये ना हो कि बिल्कुल मैश हो जाए या बहुत बड़े बड़े रह जाएं। सब्ज़ी को ऐसे पकाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैश भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गलानी भी नहीं चाहिए। अब मैं इसको अच्छी तरह देखें भून रही हूँ, ये काफ़ी हद तक भुना जा चुका है। अब मैं टिंडे इसमें डाल रही हूँ, टिंडों को मैं डाल के फिर अच्छी तरह भूनूंगी। अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसको क्या करूँगी जी, के थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रखूँगी। अभी मैं अच्छी तरह इसको मज़ीद भूनूंगी। टिंडे बहुत अच्छी सब्ज़ी है, सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, गोश्त भी खाना चाहिए, सब चीज़ें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इंसान की बॉडी के लिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी है और अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ ही बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें खानी चाहिए। अब मैंने टिंडों को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया जो मैंने घर ही पे पीसा हुआ है। मैं पीसा हुआ नहीं लेके आती क्योंकि उस पर मुझे अच्छा नहीं मुझे वो लगता, इसलिए मैं घर ही पे अमूमन इसको पीस लेती हूँ, साबत लेके आती हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ और इसमें मैं डाल लूँगी तकरीबन 1.5 से 2 प्याली पानी, जितना आपने इसमें ग्रेवी रखनी है। मैं हल्की सी ग्रेवी रखूँगी इसलिए पानी मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आपने खुश्क बनाने हैं तो आप इतना ही पानी डालें जिसमें आपके टिंडे थोड़े से गल जाएँ और बहुत मैश भी ना हो। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है इसलिए मैं ये तकरीबन मैंने 2 से 2.5 कप पानी डाले होंगे या 2 कप होंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से डालें। मेरी रेसिपी से आप ट्राई करें, टिंडे बहुत ही मज़े के टिंडे बने थे, ऐसे आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। देखें कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है इनका, हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया ताज़ा डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। मेरी रेसिपी से बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत अच्छा खाना तैयार हुआ था और जल्दी से पक भी गया था, 10 से 15 मिनट लगे थे। फिर गोश्त आ गया था, मैंने वो धोना है
और आप इंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।